हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग ना थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है। वैसे तो मैं हिमाचल से हूँ लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है फरीदाबाद में स्टे किया है और आज फरीदाबाद को छोड़ने का दिन आ चुका है। मतलब आज वो फरीदाबाद में प्रॉपर वाली नाइट लास्ट होने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी तक क्या क्या डन हो चुका है। सबसे पहले इसी कमरे से शुरुआत करते हैं। टी वाला कमरा है, ऐसे टी वी जा चुका है। हमने ना वो वाला कमरा खाली छोड़ना है मामी रेंट पर दे सके, तो उसका सारा सामान इधर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर ट्रॉलीज वगैरह और ये सब इधर को आ चुका है। इवन सोफे भी सारे इधर आ चुके हैं और हमने बेड तो लेके जाना ही है, तो एक सिंगल बेड जो था वो इधर रखा है कभी हम आए तो उसके लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे हैं जो धीरे धीरे जाती रहेंगी, पर मोस्ट ऑफ चीज़ें यहाँ से चली गई हैं। और इधर तो कुछ भी नहीं बचा है, इधर तो बिल्कुल खाली कर दिया। यहाँ पर सिर्फ सोने के लिए अभी टेम्प्रेरी बेड रखा है और ये सारी चीज़ें जाने वाली हैं। कल सुबह टेम्पो से जाएंगा सब कुछ और ज़्यादातर चीज़ें बाहर रखी हैं। किचन का भी ज़्यादातर सामान सब कुछ पैक हो चुका है, ये सुबह ले जाने वाली चीज़ें बची हैं, बाकी सब कुछ खाली कर दिया है। किचन कितना अजीब लग रहा है खाली होके। धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड हुई थी यहीं से, सामने सामने भरी हैं और सामने सामने खाली हो रही हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। इस फीलिंग को थोड़ा होल्ड करते हैं और आगे देखते हैं। सुबह सारा सामान जो है वो जाने वाला है टेम्पो में। मामा हाय कर दो ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, आपको दिखा दो ऊपर किचन पैक होकर तो नीचे आना खा रहे हैं। अभी सबसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है मूविंग से, बताना वो कर रहे हैं सारे, ऊपर खाली हो जाएगा सब। मामी और तुम अकेले हो गए, बताओ बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है, रोएगा तो नहीं? दिखा नहीं तो कल बैठ करते हैं। कौन कौन कल सुबह रोएगा? आज तो नहीं आ गए, क्यों रोना आ रहा है ना? कोई नहीं, कुछ नहीं होता, आते जाते रहेंगे। आपको कैसा लग रहा है? कौन सा इतना दूर जा रहे हैं, थोड़ी सी पास में जा रहे हैं और आ जाए करेंगे। चलो कैमरा की तरफ क्यों देख के बोल रही है? आप बताओ मामा, कैसा लग रहा है? सबसे ज्यादा क्या मिस करोगे? सबसे ज्यादा नोनू को, बच्चे इधर उधर के आते हैं, बच्चे इतने अच्छे खेलते हैं। और बाकी यादें नाना नानी की? वहाँ तो घर से जुड़ी हुई है, मतलब बहुत सालों, 20-25 सालों की याद है, 20-22 सालों की। तो कोई नहीं, आते रहेंगे महीने में एक, रहेंगे महीने में एक दो बार आते रहेंगे। रोगे तो नहीं सुबह जाते? नहीं नहीं, नोनू तो रोने वाला है, नोनू ने कह दिया। यहाँ भी अच्छा होगा, वहाँ भी अच्छा होगा, सब जगह अच्छा रखे, भगवान खुश रखे सबको बस। मैं अपना बोलूँ तो मैं तो डेफिनेटली, मुझे तो आंसू आ ही जाएंगे, आई एम इमोशनल फुल। जिस इंसान की नर्सरी टू ट्वेल्थ यहाँ पे हुई हो, इस साल काफ़ी चीज़ें छूट गई, काफ़ी लोग छूट गए, अब ये प्लेस है एक मेजर, ये भी छूट रही है। बट आई होप, जैसा सब कहते हैं कि किसी चीज़ के जाने से कुछ अच्छा भी होता है, कुछ अच्छी चीज़ आती भी है, तो आई होप गुड लक आए, गुड हेल्थ आए, गुड सक्सेस आए हम सबके जीवन में इससे। फिंगर क्रॉस, आने वाले साल सब चीज़ें अच्छी हो, है ना वहाँ? एमिन बोलो, एमिन। जैसे क्रिश्चियंस में ना एमिन बोलते हैं, कुछ भी बात पे इंसिस्ट करना होता है, हाँ ज़रूर, जैसे मुस्लिम्स में आमीन बोलते हैं। आपको याद है पहले ये जो यहाँ पे वो है मंदिर है, वो किचन हुआ करता था पहले, फिर भी पहले सबसे पहले पीछे था, है ना? पहले पीछे था। हाँ फ्रेंड्स, हमारे पास ना पहले सिर्फ ये कमरा और पीछे का पार्ट था, सिर्फ वहाँ पे किचन हुआ करता था, फिर किचन बाहर जहाँ मंदिर बना है वहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर जब हमारे पास दोनों सेट्स आ गए तो हमने वहाँ पीछे बनवाया था। तो कैसे शुरुआत की थी, है ना, एक कमरे से, और आज वही फिर धीरे धीरे खाली। आप देख रहे हो मामा, पूरा सर्कल होता है लाइफ का। अब हम छोड़ भी कैसे रहे हैं, सबसे लास्ट में वो आया था, सबसे पहले हमने वही हिस्सा छोड़ा है और फिर धीरे धीरे ये छोड़ेंगे। तो पूरा सर्कल है लाइफ का। आपको याद है आप कैसे कब आए थे यहाँ पे सबसे पहले? फिर मुझे लेके आप वापस चले गए थे, है ना? फिर मुझे लेके कितने टाइम में आए थे, 2 साल की उम्र में? मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मेरी सबसे पहली मेमोरी है नर्सरी की है, जब आप मुझे स्कूल ले जाते थे नर्सरी, आपके स्कूल में ही था मैं। बाय बाय फरीदाबाद। बाय बाय फरीदाबाद। कौन सा? चलो कॉपीराइट आ जाएगा सॉन्ग पे।
सूट तो काफी अच्छा लग रहा है आपका। चलो चले। ओके चलो भाभी बाय, मिलते हैं फिर। मिस करोगे काव्या? रोलिंग कर दो, रोलिंग। ये चलो बाय। न्यू हो गई। हाँ सो मैं गया था टेम्पो वाले के साथ और मम्मी पापा उन्होंने आए थे गाड़ी से। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं और हम आए हैं ग्रेटर नोएडा। मैंने व्लॉग में बताया नहीं था और अभी हम कुछ ऑर्डर करने का सोच रहे हैं। बाहर टीवी लगाने वाले आए हैं, रात शाम को और वाले भी आने वाले हैं। अभी सारी जगह ऐसी फैली हुई है, सिर्फ बेड सेटअप किया है, बाकी चीज़ें अभी एडजस्ट करना बाकी है। कल जगह दिखाता हूँ, आज थोड़ा सेटअप कर लेते हैं सब जगह। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय। बाय कर दो, बाय। ऐसे बंद कर दो।